क्यों, क्या हो गया भाई? शुरू क्यों नहीं करता? अपना भाषण भूल गए क्या? नहीं भैया, मैं कुछ भूला नहीं हूं, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकता। भाषण तो बहुत होते रहते हैं, देश के नेता और लीडर तो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी तो सोचता हूं कि इनके मुंह से शब्दों की जगह अगर गेहूं और चावल निकलता तो कितना अनाज होता। कभी कोई भूखा नहीं रहता। अरे अरे राम भाव, कैसे रहो तुम? भाव यहां आएगा कहा? अच्छा अच्छा, और सब कुशल मंगल तो है ना? राम साहब इन लोगों से कहा था कि ये भाषण में ससुर का रखा है, भाषण में कुछ रखा उखा नहीं है। हाँ नहीं भैया, मैं भाषण नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि ना तो मैं लीडर हूं ना नेता हूं। तो फिर तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो, या तुम हो, या फिर तुम हो, एक आम इंसान। हम आम इंसान, मामूली इंसान कहलाते, मगर हम मामूली इंसान नहीं है भाई, हम मामूली नहीं है। ये हर सवेरे अपने रोजगार के लिए सड़कों पर पैदल और अनगिनत साइकिलों पर निकलने वाला, ये बसों में खड़े रहकर सफर करने वाला, ये राशन और केरोसिन की लाइनों में रेंगने वाला, ये फुटपाथों, बाजारों, दफ्तरों में कौड़ियों की मोल अपनी मेहनत बेचने वाला इंसान मामूली नहीं है भाई, ये छोटा नहीं है। इसलिए कि इसी के पसीने से तो दुनिया का हर कारखाना चलता है, इसी के पसीने से दुनिया का हर खेत सींचा जाता है, इसी के हाथ ईंट पेंट रखकर मकान बनाते, यही हाथ मिलों में नया कपड़ा बुनते हैं और घाटों में पुराना कपड़ा हो जाते हैं। इस दुनिया की हर रोटी, हर कपड़े, हर मकान के पीछे हम हैं। हाँ, हम आम इंसान, यही इंसान इस जमीन का वारिस है, इस धरती का पहला बेटा है। मगर ये दुनिया बड़ी निराली है भैया। वही इंसान जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसी के पास कभी रोटी नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी मकान नहीं। यहां जो मुसीबत आती है सबसे पहले इसी पे आती है। महंगाई बढ़े तो सबसे पहले इसका चूल्हा ठंडा होता है, बीमारी फैले तो सबसे पहले इसका बच्चा मरता है, वो बाढ़ हो, सूखा हो, और तो और दंगे फसाद में भी आम आदमी ही मरता है, बाकी तो किसी का कुछ होता नहीं है भाई। और हम भी बड़े अजीब ठीठ, कुछ समझते नहीं,
हमारे हालात एक है, हमारी मुसीबतें एक है, मगर कोई समझते हैं? भाई साहब जरा ये सुनिए, मैं एक बार कहीं रेलगाड़ी में जा रहा था तो डिब्बे में देखा कि एक आदमी अपना सामान अपने सर पर उठाए बैठा है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भैया ये क्या कर रहे हैं? बोला, सामान मेरा है, मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन संभाले? सुना आपने, गाड़ी चल रही है, वो भी उसी में चल रहा है, बाकी मुसाफिर भी उसी में चल रहे हैं, मगर वो अपना बोझा अपने सर पर लादे बैठा है कि मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखे? हम सब भी बस ऐसे ही हैं, जिंदगी की गाड़ी चल रही है, हम सब एक ही डिब्बे में हैं, लेकिन अपना अपना बोझ अपने सर पर उठाए बैठे। तो भैया मैं तो बस यही समझता हूं और यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अच्छा तो यही होगा कि हम और आप अपनी अपनी खुदगर्जी का बोझ सर से उठा के नीचे रख दें और यह देखें कि जिंदगी की जिस गाड़ी पर हम चल रहे हैं वो सही पटरी पर चल रही है या नहीं। इसलिए कि अगर वो सही पटरी पर नहीं चल रही है तो ना आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और ना मैं। और अगर गाड़ी की पटरी सही है तब हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे एक साथ, हम आम छोटे और मामूली इंसान, हमारे सुख दुख एक, हमारा नसीब एक, और जिस दिन हम एक हो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें लूट सकती है, ना दबा सकती है, ना मिटा सकती है। बस इतना ही कहना था मुझे।